सर आज भी रीट को लेकर आपकी बेहद अहम मीटिंग है, कई युवाओं की आशा है कि कुछ बड़ा फैसला होगा। निश्चिंत होइए, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारा एक कमिटमेंट है कि युवाओं को जल्दी हम लोग रोजगार दें, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 31,000 के लगभग जो थर्ड ग्रेड के टीचर्स की वैकेंसी निकालने की बात कही थी, मैं समझता हूँ हमने वो पहले अगस्त और सितंबर में एग्ज़ाम कराने की बात की थी और उसी के तहत हम लोग तैयारी कर रहे थे। हमने तकरीबन बैठक करके ये तैयारी कर ली थी, लेकिन उसमें एक दो इश्यू जो टेक्निकल थे, विधि से संबंधित थे, अमेंडमेंट पंचायत राज एक्ट में अमेंडमेंट से संबंधित थे, तो उन मुद्दों के ऊपर हमारी चर्चा पूरी तरीके से नहीं हो पाई थी। उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन पहले हमें दोबारा चर्चा की थी कि हम जल्दी से जल्दी कैसे रीट की भर्ती निकाल करके हम बेरोजगार युवाओं को शिक्षक बनने का मौका दें। तो हमने आज, चूंकि थोड़े सामान्य हालात हुए हैं, तो हमने मीटिंग रखी है। मैं समझता हूँ सब तरीके से व्यूज आएंगे और उसके बाद में अंतिम फैसला जल्दी होगा और जल्दी हम लोग विज्ञप्ति करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि अजमेर और जयपुर में देखने को आया कि निजी स्कूलों ने पूरक परीक्षाएं करवाई, लेकिन सरकार ने लगातार उस पर एक्शन किया और ये आदेश, एक मैसेज दिया कि कोई भी निजी स्कूल है, चाहे वो कितना भी बड़ा है, अगर वो गलती करेगा तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। दो टूक में, एक सर, CBSE की जो मान्यता प्राप्त स्कूलें हैं उनको सबसे पहले राज्य सरकार से, यहाँ से कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की मान्यता लेनी होती है। अगर वो नहीं ले पाते तो उनको CBSE से मान्यता नहीं मिलती। इसका सीधा सा अर्थ है कि वो हमारे राज्य सरकार के मान्यता प्रदान करने के उपरांत ही वो विद्यालय संचालित हो रहा है। इसलिए राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है, राज्य सरकार के जो नियम हैं, वो उनको मानने पड़ेंगे। और राज्य सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करती है, अगर कोई भी विद्यालय उसका उल्लंघन करता है या कानून का उल्लंघन करता है या जो फीस एक्ट बना हुआ उसका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से जो है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अभी जो दो प्रकरण आए थे, हमने बाकायदा डायरेक्टरों कहा है कि इसकी जाँच कीजिए, देखिए कहीं इन्होंने किस तरीके की कितनी सीमा तक अनुशासनहीनता की है। अगर उसका उद्देश्य खराब निकला, जैसा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के नियमों को हम नहीं मानेंगे और हमारी मर्जी करेंगे, तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन भी होगा। अगर उन्होंने जवाब में ये कहा कि सॉरी दोबारा नहीं करेंगे, इससे हमें ध्यान में नहीं था या गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया, तो हम उनको एक मौका भी देंगे। देखिए, ये तो शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा, जिनका कहना है कि लॉकडाउन में जितने से ज़्यादा अच्छे से अच्छे काम भविष्य में छात्रों के लिए हो सके वो एक बेहतर विकल्प है। कैमरा पर्सन घनश्याम करोगे।